नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। मंगलवार को झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौजूदा सरकार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अधूरी जानकारी रखते हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी और जनजाति में बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता को JMM पचा नहीं पा रही है। पंचायत चुनाव में हमारे लोग सर्वाधिक जीत हासिल किए, सबसे ज्यादा ट्राइबल मुखिया हमारे लोग बने हैं। अभी बीते दिनों हुए रांची में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की रांची में हुए कार्यक्रम पर UPA द्वारा चुनाव आयोग में कोड ऑफ कंडक्ट के नियम 437/6/INST/2016 के जाने बिना चुनाव आयोग में शिकायत किया गया, जो हास्यपद है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार बाय इलेक्शन के लिए स्टेट कैपिटल, मेट्रोपॉलिटन सिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वहां पर पूरे जिले में आचार संहिता नहीं लगेगा। चुनाव आयोग के अनुसार जिस स्थान पर चुनाव हो रहे हैं उसी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता लागू होगा। बीजेपी ने JMM और कांग्रेस के नेताओं से माफी मांगने के लिए कहा। 6/ECI/INST और 18/1/2018 को इन्होंने एड्रेस किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूरे स्टेट के इलेक्शन कमीशन को और UT मतलब यूनियन टेरिटरीज के। इसकी कॉपी मैं आप सब लोगों को दूंगा। उसमें क्या है अंतिम पैरा में, मैं लेटर का डेटेड इसलिए बता रहा हूं कि प्रमाणिकता रहती है। अंतिम पैरा क्या है? नाउ द कमीशन हैज डिसाइडेड दैट द अबव डायरेक्शन शैल बी अप्लाइड इन ऑल फ्यूचर्स बाई इलेक्शंस इन द कंट्री इन्वॉल्विंग स्टेट कैपिटल ऑब्लिक मेट्रोपोलिटन सिटीज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अकॉर्डिंगली एनी डिस्ट्रिक्ट विच कॉरपोरेशन ऑब्लिक मेट्रो ऑब्लिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज लोकेटेड। MCC का मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विड बी इन्फोर्स्ड इन द पार्टिकल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सेगमेंट ओनली एंड नोट इन द होल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इसका अर्थ ये है कि बाई इलेक्शंस के लिए जहां पर स्टेट कैपिटल है, रांची राज्य की राजधानी है, दूसरा क्या है मेट्रोपॉलिटन सिटी यदि है तो, तीसरा क्या है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, रांची है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वहां पर पूरे जिले में आचार संहिता नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ जहां पर विधानसभा में जहां चुनाव हो रहे हैं उसी विधानसभा में आचार संहिता लागू होगा। और इसको पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी नहीं जानते तो हिंदी रूपांतर इसका, हिंदी पढ़ लेते। इसलिए डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं और इसके आगे मैं नहीं कहूंगा कि अनपढ़ है, मैं नहीं बोलने वाला। उम्मीद है कि एक प्रदेश का अध्यक्ष पढ़ा लिखा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अनपढ़ नहीं, पढ़ना लिखना चाहिए क्योंकि एक राष्ट्र, एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगाते हैं तो आरोप पुख्ता होना चाहिए, आरोप पुख्ता होना चाहिए। नहीं तो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ने आपने आरोप लगाया उस वहां पर खड़े होकर के माफी मांगना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आदिवासी समाज में, जनजाति समाज में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कलेजे पर सांप लोटने वाला काम किया, सांप कलेजा उनका फट जा रहा है। और जब त्रिस्तरीय जो चुनाव हुए हैं पंचायत के, चाहे वो जिला परिषद हो, मुखिया हो, वार्ड सदस्य हो, सर्वाधिक
हमारे उम्मीदवार जीत करके आए हैं पार्टी के कार्यकर्ता। ये दलीय चुनाव नहीं है, ये दलीय आधार पर चुनाव नहीं है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा चुनाव जीत करके आए। यह इस बात का द्योतक है कि गांव में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। जितनी सीटें हैं उसमें आधी सीटें शेड्यूल एरिया का, ट्राइबल इलाके का, उसमें भी हम सबसे ज़्यादा सीट जीते हैं। सबसे ज़्यादा आज हम कह सकते हैं जिला परिषद में ट्राइबल निर्वाचित प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के साथ, सबसे ज़्यादा ट्राइबल मुखिया जीत कर आए वो भारतीय जनता पार्टी के पास, सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज के, जनजाति समाज के वार्ड सदस्य जीत के आए वो भारतीय जनता पार्टी। ये हमारी बढ़ती हुई लोकप्रियता मोदी जी के किए हुए काम का असर है।